students, today we'll be continuing chapter number 2 of SS for Standard 9 student. The name of the chapter is First World War and Russian Revolution. अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था what were the factors जिसके कारण First World War हुआ. अब अपन First World War के बारे में पढ़ते. तो सुनो. In the First World War, 24 nations supported Allied nations and 4 nations supported Axis nation. 24 nations ऐसे थे जिन्होंने Allied nation को support किया और 4 nations ऐसे थे जिन्होंने Axis nation को support किया, right? Initially, मतलब starting के time में Germany made noteworthy victory in Europe. Starting के time पे Germany ने बहुत सारी victories की Europe में, right? इट रियून द फ्रेंच आर्मी. जर्मनी ने पूरी की पूरी फ्रेंच आर्मी को डिस्ट्रॉय कर लिया, रियून कर लिया. इट फॉट मेनी सबमराइन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ अलाइड नेशन. बेसिकली जर्मनी ने बहुत सारी सबमराइन वॉर की. सबमराइन वॉर मतलब सी के नीचे जो वॉर होती है, और बहुत सारे अलाइड नेशन की जो शिप्स थी वो पूरी की पूरी तहस नहस कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी. मेनी सोल्जर्स एंड सिविलियन डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस. इन 1970 रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, सो रशिया विथड्रॉ फ्रॉम वॉर. अब एक्चुअली क्या हुआ, इन द ईयर 1970 में रशिया में भी रिवॉल्यूशन चालू हुआ. 1970 में जब रशिया में रिवॉल्यूशन चालू किया तो रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हाथ पीछे कर दिया कि हमको वॉर नहीं लेनी. तो अगर आपसे पूछे कि रशिया क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से निकल गए, क्योंकि रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था. क्लियर. जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जर्मनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन माना जाता था. इट मैनेज टू ड्रोन एन अमेरिकन स्ट्रीमर लिसिटानिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड. सो बेसिकली जर्मनी ने एक अमेरिका के स्टीमर को पूरा ड्रोन कर दिया और उस वजह से 147 अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हो गई, और वो स्टीमर का नाम लिसिटानिया. ओके. कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइन अलाइड नेशन. ये होने के बाद अमेरिका ने अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया. एक्सिस नेशन मतलब जर्मनी और उनके पास, और अलाइड नेशन में जो इंग्लैंड, फ्रांस ये सब थे. तो बेसिकली पहले अमेरिका पोस्ट वर्ल्ड वॉर में था ही, लेकिन जर्मनी ने अमेरिका के एक स्टीमर को डुबा दिया, ड्रोन कर दिया, जिसके कारण 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड हो गए. इस वजह से अमेरिका ने अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया. कब ज्वाइन किया, इन द अप्रैल 1970. तो आपको अगर पूछे कि अमेरिका ने अलाइड नेशन को कब ज्वाइन किया, तो अप्रैल 1970, राइट. With that, countries like Panama, Greece, Cuba, China, Siam joined Allied Nation. Thus, the Allied Nation became stronger. इसके बाद पनामा हो गया, चाइना हो गया, सियाम, कुबा, ग्रीस, इन सब ने Allied Nation को join कर लिया. जब इन सब ने Allied Nation को join कर लिया तो Allied Nation बहुत strong और बहुत powerful बन गए. जर्मन आर्मी could not withstand the American rule. जर्मन की आर्मी अमेरिका का जो ट्रूप है उसको विदस्टैंड नहीं कर पाए. मतलब जो अमेरिका का ट्रूप बहुत पावरफुल था और जर्मन आर्मी उसके सामने कम्पीट नहीं कर पा रही थी. द होल पोजिशन ऑफ द वॉर चेंज. मतलब पूरा वॉर बदल गया. पहले वॉर किसके हाथ में था, जर्मनी के हाथ में था, जर्मनी पावरफुल था, लेकिन जैसे अमेरिका ने अलाइड नेशन को ज्वाइन किया तो अलाइड नेशन वाला ग्रुप पावरफुल हो गया. पूरा सिक्का पलट गया, पूरा उल्टा हो गया. समझे. ओके. बल्गेरिया इन सितंबर 1980, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया 1918 ज्वाइन द अलाइड नेशन. मतलब बल्गेरिया ने भी, टर्की, ऑस्ट्रेलिया सब ने अलाइड नेशन ज्वाइन कर लिए. जर्मन लीडर काइजर एब्डिकेटेड हिज पोजीशन एंड रैन अवे. ये सब देखे जर्मन लीडर अब क्या करे, भाग गए. अभी पोजीशन छोड़ के भाग गए. अब देखो इनको जो करना है, एब्डिकेट हो गए. जर्मनी सरेंडर टू अलाइड नेशन. अब जब खुद के लीडर ही चले गए तो जर्मनी क्या करेगी, सरेंडर ही कर देगी. हम तो वॉर हार गए. तो जर्मनी ने अलाइड नेशन के मतलब हाथ खड़े करके सरेंडर कर दिया, ठीक है हम लोग हार गए. कब सरेंडर किया, 11 नवंबर. ये ध्यान रखना, जर्मनी ने कब अलाइड नेशन को सरेंडर किया, 11 नवंबर को सरेंडर किया. एंड साइन द ट्रीटी ऑफ एंड द वॉर केम टू एन एंड. इस तरह से वॉर खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको बोला है कि एक साइड अलाइड नेशन थे, दूसरे साइड एक्सिस नेशन थे. अलाइड नेशन में इंग्लैंड, फ्रांस और वो सारा ग्रुप जो अपने अर्लियर लेक्चर में पढ़ा था, और एक्सिस नेशन में जर्मनी और उनकी पूरी पलटन. ठीक है, सो बेसिकली पहले जर्मनी पावरफुल एंड पे थी, लेकिन जैसे जर्मनी ने अमेरिका के एक स्टीमर पे अटैक किया तो अमेरिका ने अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया, अलाइड नेशन पावरफुल हो गया और जर्मनी हार गई. क्लियर. अब स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट इफेक्ट क्या था, लेट्स सी. फर्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटीरियल.
अबाउट 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन वॉर. कितने लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया? 6.5 करोड़ पीपल ने पार्ट लिया एंड एटलीस्ट 1 करोड़ पीपल डाइड. 1 करोड़ पीपल की मौत हो गई, 2 करोड़ पीपल इंजर्ड हो गए एंड 70 लाख वर रेंडर्ड परमानेंटली हैंडीकैप, और 70 लाख पीपल परमानेंटली हैंडीकैप हो गए. मतलब 6.5 करोड़ लोगों ने पार्ट लिया, 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, 2 करोड़ लोग घायल हो गए और 70 लाख लोग जो है परमानेंटली हैंडीकैप हो गए, अपाहिज हो गए. मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ किलिंग एंड एपिडेमिक दैट ब्रोक आउट आफ्टर द वॉर. और काफी लोग भूखमरी से भी मर गए. द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई, और ये पूरा जो वॉर लड़ने का खर्चा था वो भी बहुत ज्यादा था. सो पहला ये नुकसान हुआ कि बहुत ज्यादा मैन और बहुत ज्यादा मटीरियल लॉस हुआ. फिर सोशल चेंज ड्यूरिंग द वॉर्स, मेजोरिटी ऑफ मैन ऑफ ऑल द नेशन वर ऑन द वॉर फ्रंट, वुमेन शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड ऑक्यूपेशन. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तो मोस्टली जितने भी फैमिली के मेंस होते थे वो तो लड़ाई लड़ने चले जाते थे वॉर लड़ने, तो घर की जवाबदारी किसके हाथों में? वुमेन्स के हाथों में. सो यूजुअली जो भी मेंस थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वॉर लड़ने चले जाते थे, और जो पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पे आ गई? वुमेन्स के कंधों पे आ गई. दे स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होम एंड सक्सेसफुली टुक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड. वुमेन्स अपने घर से बाहर निकली और अलग अलग जगह से पैसे कमाने लग गई. सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू मेन एनहांस. वुमेन्स का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम भी मेन के बराबर है, हम भी पैसा भी कमा सकते हैं, घर भी कमा चला सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस एनहांस हुआ. कंसिक्वेंटली डिमांड फॉर वुमेन टू एक्सरसाइज से फ्रेंचाइजी वॉज रेज. इस तरीके से वुमेन्स की डिमांड इन द ऑक्यूपेशन बढ़ गई. ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिंग ऑफ बेसिक नेसेसिटी हैज रिड्यूस्ड. सो प्रॉब्लम अब क्या हुआ, बेसिकली जब वॉर में था तो बेसिक नेसेसिटी का प्रोडक्शन ही होता, आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन्स, सारी वॉर की सामग्री ही प्रोडक्शन होती थी. जो बेसिक एम्युनिटी थी वो प्रोड्यूस ही नहीं थी, उस पर जैसे स्कैसिटी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्वेशन, लॉकआउट, पीपल सफर अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन बहुत पथेटिक. लोगों को बहुत सफर करना पड़ा और बच्चों की कंडीशन तो बहुत पथेटिक थी. पहला इफेक्ट अपन ने पढ़ा लॉस ऑफ मैन एंड मटीरियल, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटीरियल. इतने लोगों ने 6.5 करोड़ लोगों ने पार्ट लिया, 1 करोड़ की डेथ हो गई, 2 करोड़ वुंडेड हो गए, 70 लाख हैंडीकैप हो गए, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. उसके बाद सोशल चेंज क्या है, पहले क्या होता था, अपन क्या मानते कि भाई लड़के पैसे कमाने जाएंगे और वुमेन्स घर चलाएंगे, ये कंसेप्ट टोटली उल्टा हो गया. क्यों? बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी मेन से यूजुअली वॉर लड़ने चाहते थे तो वुमेन्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर की अपने घर को चलाने के लिए और पैसे कमाने के लिए. तो इस तरह वुमेन्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि दे आर इक्विवेलेंट टू मैन. और उस टाइम पे जो बेसिक नेसेसिटीज थी ना उसका प्रोडक्शन होता नहीं था, इस वजह से स्केर्सिटीज और बहुत लॉकआउट्स और चीजें होने लगी. क्लियर? नेक्स्ट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज. ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या है, ध्यान से एकदम अटेंटिव वे में सुनना. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी इन फ्रंट ऑफ अलाइड नेशन ब्रॉट एन एंड टू वॉर. कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जर्मनी ने अलाइड नेशन के सामने घुटने टेक दिए, मतलब सरेंडर कर दिया कि ठीक है हम तो हार गए तुम जीते. देन द अलाइड नेशन अंडरटुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस. तो अलाइड नेशन ने पीस प्रोसेस, शांति का प्रोसेस चालू किया पेरिस में. इन विच 58 कमीशंस वर फॉर्मड एंड 145 सेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड. अलाइड नेशंस ने पीस प्रोसेस ऑर्गेनाइज किया पेरिस में, 58 कमीशंस आए थे और 145 सेशंस हुए थे. द एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस वॉज मेड इन द मिरर पैलेस ऑफ वर्सलीज. मतलब ये जो पीस प्रोसेस था, इस पीस प्रोसेस में जर्मनी के साथ अलाइड नेशन ने एक अग्रीमेंट किया. कहां पे अग्रीमेंट किया? मिरर पैलेस और वर्सलीज. वर्सलीज जगह है, वहां के मिरर पैलेस पे जर्मनी के साथ एक अग्रीमेंट किया और तब से इसको वर्सलीज ट्रीटी बोलते हैं. बोला जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, जर्मनी ने सरेंडर करा इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, और उसके बाद बेसिकली अलाइड नेशन एक पीस प्रोसेस रखा वर्सलीज में, ठीक है, पेरिस में. ठीक है, ये पीस प्रोसेस में कितने कमीशन थे? 58 कमीशन से 145 सेशन हुए इस पीस कमीशन पीस प्रोसेस के. और ये पीस प्रोसेस में बेसिकली जर्मनी के साथ अलाइड नेशन ने एक ट्रिटी साइन की. वो ट्रिटी मिडल वॉल ऑफ वर्सलीज में हुई थी, इसलिए इस ट्रिटी को बोलते हैं वर्सलीज ट्रिटी. ये जो वर्सलीज की ट्रिटी है उसके चार मेजर प्रोविजन थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं वर्सलीज ट्रिटी के कौन से मेन चार प्रोविजन थे. तो कान खोल के ध्यान से सुनना. पहला,
रीजनल अरेंजमेंट, उनके रीजन का अरेंजमेंट अब वो लोग करेंगे, रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्मामेंट, अब आप अपने ट्रूप्स कम कर लो और आर्मामेंट मतलब जो हथियार है वो भी कम कर लो, अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन, मतलब जर्मनी को वॉर का भुगताना पड़ना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, अदर प्रोविजन। अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेनो और इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। ये वर्सेलीज ट्रीटी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जिनका नाम था वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट जिनका नाम था क्लेमेनो और इटालियन प्रेसिडेंट जिनका नाम था ऑरलैंडो, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, बोला गया कि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है वॉर चालू करने के लिए, इसलिए उन लोगों को 6.5 बिलियन पाउंड का वॉर फाइन पे करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी को कितना वॉर फाइन पे करना पड़ा, लड़ाई का लड़ाई उन्होंने स्टार्ट की इसलिए 6.5 बिलियन पाउंड का जर्मनी को वॉर फाइन पे करना पड़ा। इन हैड टू गिव अवे द रूहर रीजन ऑफ फ्रांस, अब इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, उनको अपने फ्रांस का रूहर रीजन दे देने का, इट्स राइन रिवर हैज टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट, जर्मनी की जो राइन नाइन की रिवर है उसको भी ओपन कर दो इंटरनेशनल सी रूट के लिए, द राइनलैंड रीजन ऑफ फ्रेंच बॉर्डर वॉज डिसअलाउड फ्रॉम बींग फोर्ट्रेस ओके एंड गिव अवे टू फ्रांस फॉर 15 ईयर्स, मोस्ट ऑफ जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर कन्फिस्किटेड, अलास्का एंड लोरेन वॉज टू बी रिटर्न टू फ्रांस, पहले पता है फ्रांस के दो रीजन ले लेते जर्मनी ने, अलास्का एंड लोरेन जो अपन ने पहले पढ़ा था वो वापस फ्रांस को दे दो। Besides this, Germany was to give France and other allied nation a large quantity of coal and iron annually. इन सब के अलावा जर्मनी को, फ्रांस को और दूसरे अलाइड नेशन को साल में कुछ कोल और आयरन देना पड़ेगा एज द बेनिफिट ऑफ वॉर। जर्मनी वॉज मेड टू साइन दिस अग्रीमेंट एंड कंडीशन, जर्मनी को वर्सेलीज ट्रीटी के सारे कंडीशन को साइन करना पड़ा। ऑन गन पॉइंट, गन पॉइंट मतलब बंदूक की गोली पे करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं, करना ही पड़ेगा ठीक है। एंड फोर्सिबली बिकॉज ऑफ विच देर वॉज बिटरनेस एंड सेपरेशन अमंग जर्मन, कॉन्सिक्वेंटली जर्मन इकोनॉमी, इस वजह से जर्मन की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लेट्स सी, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशन दैट वर डिफीटेड इन वॉर। अब जर्मनी ने जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज साइन किया तो हमेशा जर्मनी के मन में है ना बिटरनेस, बहुत कड़वाहट थी, तुमने हमारे साथ ऐसा किया, तो हमेशा से एक लॉन्ग टर्म कड़वाहट रहेगी। पीस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश विद द ट्रीटी, सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन, अमेरिका डिड नॉट जॉइन द लीग ऑफ नेशन, दैट इज वेट कैन बी सी द रीजन फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। तो बेसिकली जो लीग ऑफ नेशन बना, लीग ऑफ नेशंस में रशिया को इंक्लूड ही नहीं किया, अमेरिका ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो हम बोल सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पीस ट्रीटी, क्लियर। तो ये अपन ने पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चार इफेक्ट, पहला था डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल का डिस्ट्रक्शन हुआ, दूसरा सोशल चेंज, तीसरा ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज और चौथा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, या तो हम इसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, या तो हम इसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म और रशिया पे आ जाओ। रशियन रिवॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, बोला जो रशिया का रिवॉल्यूशन है पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रशियन हैड बीन ऑप्रेस्ड एंड सपरेटेड बाय द त्सार ऑफ रशिया, रशिया के जो राजा होते हैं उनको त्सार बोला जाता है, तो रशिया के जो त्सार थे वो रशिया के लोगों को बहुत ऑप्रेस करते थे, दबा के रखते थे। रशियन त्सार्स हु इनहेरिटेड द पोजीशन, अभी जो रशिया के त्सार थे ना उनकी पोजीशन इनहेरिट थी, अगर एक त्सार है तो उसका बेटा त्सार बनेगा, फिर उसका बेटा त्सार, फिर उनका बेटा त्सार, मतलब एक पूरी फैमिली ही हमेशा रूल करती थी। वर ऑल डिक्टेटर्स एंड एंजॉयड अनकंट्रोलेबल रूल ओवर द पीपल, मतलब पूरा डिक्टेटरशिप कर, राजा ने बोला वो फाइनल, जो तजार ने बोला वो फाइनल, लोगों की कोई सुनता ही नहीं था। पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड, लोगों के पास कुछ हक ही नहीं थे। द तजार वॉज सो क्रूअल एंड पिटीलेस ऑन पीपल दैट इफ एनीबडी डिमांडेड फॉर देयर राइट ही वॉज टॉर्चर्ड सप्रेस्ड सीवियरली पनिश्ड और कंडेम्ड टू बी सेंट टू बोन चिलिंग
एंड डेट कॉल सिबेरिया, मतलब बोला अगर कोई भी नॉर्मल पीपल अगर अपने राइट के लिए लड़ने जाता था तो तजार उनको इतना पनिशमेंट देता था, इतना इंसल्ट करता था, इतना टॉर्चर, इतना सप्रेस हुए, इतने क्रूअल थे, इतने पिटीलेस थे, और अगर किसने बहुत ज्यादा नाटक किया तो उसको सीवियर पनिशमेंट दे देते थे, या तो उन लोगों को सिबेरिया भेज देते, सिबेरिया को बोला जाता है बोन चिलिंग एंड डेट कोल्ड, ठीक है, मतलब वहां पर उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था। दिस अनकंट्रोलेबल एंड ऑप्रेसिव सदाधम बिकेम द रीजन ऑफ ग्रीफ पॉवर्टी एंड सफरिंग अमंग पीपल, इस वजह से लोग बहुत दुखी रहते थे, बहुत पुअर थे, बिकॉज उनको अपने राजा के प्रति ही कुछ रिस्पेक्ट नहीं थी, उनके राजा अपनी प्रजा की सुनते ही नहीं थे। राजा मैं बोल रही हूँ मतलब रशिया में राजा को तजार बोला जाता है, तो जो वहां के तजार होते हैं उनकी पोजिशन इनहेरिट होती है, अगर एक तजार तो उनका बेटा फिर उनका बेटा, ये बहुत क्रूअल होते थे, पूरा डिक्टेटरशिप चलता था, लोगों की सुनते ही नहीं थे, और किसी इंसान ने अगर बोला कि हमारा ही राइट है हमारी सुनो तो उसको बहुत ज्यादा मारते पीटते सीवियर पनिशमेंट देते थे। The Russian farmer, labor and peasant were not getting enough income despite working very hard. जो रशिया के farmers थे, laborers थे, peasant थे, वो इतना hard work करने के बाद भी income नहीं कमा पा रहे थे, they became poor. Then under the leadership of Father Gippon, a large rally was taken out to the Tsar residence. अब इन सब चीजों से हार के, इन सब चीजों का आपको सोल्यूशन निकालने के लिए जो फादर गिपोन थे उनकी लीडरशिप में एक रैली निकली और तसार के घर तक पहुंच गई कि भाई हमको हमारे हक दो। विंटर पैलेस, तसार का घर मतलब विंटर पैलेस, पीपल का अनाम, लोगों के पास कुछ हथियार नहीं थे, वाइल सम हैड तसार्स पिक्चर इन हैंड, कोई कोई अपने हाथ में तसार की पिक्चर लेके खड़े थे, विद कैप्शन लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया रिटन ऑन इट, और उस तसार की पिक्चर पे क्या लिखा था, लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया, एंड तसार आर्मी ओपन फायर ऑन दीज इनोसेंट पीपल। अभी बेचारे लोग जिनके जो निहत्ते थे, जिनके पास हथियार भी नहीं थे, रशिया की जो आर्मी ने डायरेक्टली नॉर्मल जो जनता होती है उस पर गोलीबारी करना चालू कर दी, बिकॉज ऑफ इस थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल था, इसके कारण कितने सारे इनोसेंट पीपल मर गए, वो तो सिंपल रैली लेके गए थे अपनी बात रखने के लिए, उनको तो मार दिया। एंड स्नो इन पीटर्सबर्ग वेयर द तसार पैलेस वाज सिचुएटेड टर्न्ड रेड विद ब्लड, अब तसार के पैलेस में जो तसार का पैलेस था पीटर्सबर्ग में, पीटर्सबर्ग में पूरी व्हाइट स्नो होती है लेकिन खून से रंगी, पूरी व्हाइट स्नो कैसी होगी, लाल हो गई, इतनी गोलियां चली, इतने लोगों के खून बहे कि पीटर्सबर्ग एरिया की जो व्हाइट स्नो थी पूरी रेड हो गई। ये चीज संडे को हुई थी, इसको ब्लडी संडे माना जाता है, ब्लडी मतलब पूरा ब्लड वाला संडे, पूरी खून की नदियां बह गई, इतना ज्यादा लोगों की डेथ हुई। क्या हुआ एक्चुअली, जो फादर गिपोन की लीडरशिप में रशिया के कुछ लोग तजार के रेसिडेंट विंटर पैलेस गए, जब वो विंटर पैलेस गए वो लोग अनाम देमिन कुछ किसी पाते तजार के पिछो थे, और उनसे लिखा था लिव लॉन्ग ओवर किंग, हमारे राजा और जी, तो भी उन्होंने क्या किया, रशियन आर्मी ने डायरेक्टली ओपन फायर करना चालू कर दिया, लोगों को मार दिया। वो रशियन जो विंटर पैलेस है वो पीटर्सबर्ग में सिचुएटेड था, वहां पे बहुत स्नो थी लेकिन वो पूरी स्नो लाल होगी लोगों के खून से, वो संडे को क्या बोला जाता है, ब्लडी संडे। अराउंड दिस अ लार्ज नंबर ऑफ रशियन गॉट प्रोवोक एंड बिकेम रेस्टलेस एज द वीकनेस ऑफ तसादम हैड बिकेम ऑब्वियस, एंड अ स्मॉल नेशन लाइक जापान had defeated massive nation like Russia in the Russian-Japan war. अब इसलिए रशिया और जापान की वॉर हुई थी, सो जापान एक बहुत छोटा नेशन माना जाता है, रशिया बड़ा नेशन, लेकिन जापान ने रशिया को हरा दिया, तो रशिया का जो राजा है वो वीक हो गया, लोगों को पता चल गया था कि हमारे बोलते ना अगर सपोज अपन को अपने कंट्री पसंद नहीं और अपने कंट्री को हरा दिया अच्छा हो तुम्हारे साथ, तो रशिया और जापान की वॉर में जापान ने रशिया को हरा दिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल नेशन। In order to pacify the angry Russian, an announcement to call for a Duma legislative assembly, which had not been called for years, was made. Eventually, four such Duma were called, but before it can take steps to satisfy citizen, it is called off. On 8 March 1917, oppressed worker of Petrograd called a strike. अब क्या हुआ? 8 March 1917 में जो Petrograd region है, वहाँ के worker strike पे चले गए। तजार सेंट हिज ट्रूप्स टू सप्रेस द सिविल, अब जो तजार थे उन्होंने अपनी आर्मी भेजती है इस इवेंट को सप्रेस करने के लिए, बट द आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस पीपल, आर्मी ने तजार ने क्या बोला अपनी आर्मी को, जाओ उनको मार दो या स्ट्राइक करे मार दो, लेकिन आर्मी ने बोला नहीं हम इनको नहीं मारेंगे, मतलब उनकी आर्मी ने उनके राजा की बात नहीं मानी। एज अ रिजल्ट रिवॉल्यूशन बिगिन आफ्टर द फॉल ऑफ तजारदम, पूरा तजारदम फॉल हो गया, मतलब राजा का पावर पूरा गिर गया, प्रजा की आंखों में राजा के लिए कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं रही, पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ करेंस्की लीडर ऑफ मेंशेविक ग्रुप, जैसे तजारदम डाउन हुआ तो पूरा का पूरा पावर किसके पास चले गया, करेंस्की जो कौन थे मेंशेविक ग्रुप, मेंशेविक मतलब माइनॉरिटी ग्रुप के लीडर थे।
एक्सेप्ट फॉर लेनिन, एवरीवन इन रशिया वाज हैप्पी विद द फॉल ऑफ ट्सार, बट लेनिन बिलीव, सब बहुत खुश थे, सब लेनिन खुश नहीं था. क्यों? लेनिन मानते थे दैट इन द बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर एज प्रोपोगेटेड बाय कार्ल मार्क्स, वेल मेंशेविक ग्रुप बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास. लेनिन बोलते थे कि लेबर्स इम्पोर्टेंट है, और ये जो मेंशेविक ग्रुप है जो अब पावर में आ गया था, वो मानते थे मिडिल क्लास पीपल इम्पोर्टेंट है. एज अ रिजल्ट लेनिन इंस्टिगेटेड द बोल्शेविक अगेंस्ट मेंशेविक. तो लेनिन ने क्या किया, बोल्शेविक को इंस्टिगेट किया, भड़काया, किसके खिलाफ, मेंशेविक के खिलाफ. ऐसे भड़काया, मेंशेविक तो मिडिल क्लास पे फोकस करता, बेचारे लेबरर्स तो सफर कर रहे. एंड इन नवंबर 1917 डिक्लेयर्ड अ फाइनल रिवॉल्यूशन एंड गॉट रीजंस इन द हैंड. दिस केम टू बी नोन एज सोशल बोल्शेविक रिवॉल्यूशन. दिस 300 इयर्स ओल्ड त्साररिज्म केम टू एन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया वॉज विदाउट त्सार. पहली बार ऐसा हुआ रशिया में कोई भी राजा ही नहीं था. एफर्ट्स फॉर वर्ल्ड पीस, ये था पूरा रशियन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, जिनको हम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं. क्या अब पढ़ते इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड पीस, एफर्ट फॉर वर्ल्ड पीस, लीग ऑफ नेशन. अब इतना जब युद्ध लड़ाई हो रही थी तो वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा. सो द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूटनेस. बेसिकली जब ये जो वर्ल्ड वॉर का खौफ हॉरर, उसको पैसिफाई करने के लिए अब कुछ वर्ल्ड पीस के लिए करना पड़ेगा. एंड फॉर दिस अ नीड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट. अब ऐसा जरूरत लगी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखने के लिए. सो इट बिकेम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस. अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन हैज कंट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन. सो एक लीग ऑफ नेशन बनाया वर्ल्ड के पीस को मेंटेन करने के लिए, और ये लीग ऑफ नेशन बनाने के लिए जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वुडरो विल्सन, उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. 14 पॉइंट सजेस्टेड बाय वुडरो विल्सन वर रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस. एक पेरिस पीस प्रोसेस में 14 पॉइंट्स थे जो वुडरो विल्सन ने सजेस्ट किए थे, वो इंक्लूडेड थे. ऑन 10 जनवरी 1920 द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म. कब हुआ वो लीग ऑफ नेशन, 10 जनवरी 1920. बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, लीग ऑफ नेशन कब फॉर्म हुआ था, 10 जनवरी 1920. अभी जो लीग ऑफ नेशन है उसका एम क्या था, पहला टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. लीग ऑफ नेशन का ये एम था कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली शांति और सिक्योरिटी बने रहे. एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशन. हर नेशन को दूसरी नेशन की यूनिटी, दूसरी नेशन की इंटीग्रिटी को कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. टू गिव अ पॉलिसी ऑफ वॉर, लड़ाई करने की पॉलिसी छोड़ दो, मत वॉर करो. टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशन, एक कंट्री के दूसरे कंट्री से रिलेशन अच्छे होने चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे होने चाहिए. To solve the international dispute peacefully through negotiation or mediation. Basically, बोला अगर कुछ international issue हो रहा है, अगर कोई international dispute हो रहा है, तो international dispute को अच्छे से peacefully solve करो, बातचीत करके, negotiation करके. If any nation ignore the League of Nations, it would be declared rebel nation. अगर किसी भी nation ने League of Nations को नहीं माना, तो उस nation को क्या बोल देंगे, rebel nation. पांच एम, छह एम थे. पहला, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे. हर नेशन को दूसरी नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी रिस्पेक्ट करनी है. पॉलिसी ऑफ वॉर छोड़ दो, इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन रखो. और कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो भी जाता है ना, तो उसको पीसफुली नेगोशिएशन से सॉल्व करो. और जिसने लीग ऑफ नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, उस नेशन को क्या बोल देंगे, रिबेल नेशन. लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश फॉर वर्ल्ड पीस डिड नॉट मैनेज टू कीप अ कंट्रोल ओवर द इंपेरियलिस्ट पॉलिसी. अब बोला लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश होने के बाद भी इतना कुछ कंट्रोल नहीं हो पाया. एंड इन 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया. वापस क्या चालू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द ईयर 1939, राइट. ओके, तो ये था अपना चैप्टर नंबर 2, पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कंसेप्ट और रशियन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट. ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर टेकअप करेंगे, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर टेकअप करेंगे. टिल देन, गुड बाय.